जिला जनसंपर्क कार्यालय खंडवा मध्य प्रदेश समाचार, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाया जाए। खंडवा 10 अगस्त 2021 आगामी दिनों में आयोजित होने वाले मुहर्रम पर्व को आपसी सद्भाव व शांति के साथ मनाएं। साथ ही त्योहार के दौरान कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह बात अनुविभागीय अधिकारी खंडवा श्रीमती ममता खेड़े ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में संबोधित करते हुए कही। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को त्योहार के दौरान चल रहे समारोहों के मार्गो की मरम्मत तथा लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कहा। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान गौड़, सीएसपी ललित गाठरे, शहर काजी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। बैठक में एसडीएम श्रीमती खेड़े ने बताया कि सवारी के ताजिया के साथ 10 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, साथ ही आजमा टेंट नहीं लगेंगे और ना ही जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ताजिए अपने निर्धारित स्थान से सीधे करबला की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अमीर मेडिकल के पास एक से अधिक ताजिया इकट्ठा नहीं होंगे। साथ ही सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड 19 के संक्रमण के बचाव के लिए आवश्यक है कि 10 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा ना हो। उन्होंने सभी से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। उन्होंने बैठक में बताया कि त्योहार के दौरान डीजे साउंड भंडारा एवं लंगर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बैठक में एसपी श्री ललित ठाकरे ने कहा कि त्योहारों के समय शरारती तत्वों द्वारा यदि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का प्रयास किया जाएगा तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से लोकेंद्र गंगराड़े की खास रिपोर्ट।